नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे आसान तरीका प्रेशर कुकर में चावल बनाने का। इसके लिए मैंने लिया है एक गिलास कतरनी चावल। आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है। तो एक गिलास मैंने कतरनी चावल लिया है, उसके लिए मैं लूँगी उसी गिलास में दो ग्लास पानी। जितना हम चावल लेते हैं उसका डबल पानी का यूज करते हैं। अब मैं इसे चढ़ा दूंगी गैस पे। पहले मैं गैस ऑन करूंगी। इसे हम गर्म होने देते हैं, जब ये हल्का बॉयल होने लगेगा फिर हम चावल को इसमें मिक्स करेंगे। जब तक हमारा पानी कुकर में बॉयल हो रहा है, हम इस चावल को दो तीन पानी अच्छे से धो लेंगे। हम इसे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के दो से तीन पानी तक साफ करेंगे। देख रहे हैं ये पानी गंदा हो चुका है, तो उस गंदे पानी को मैंने फेंक दिया है। अब इसमें मैं दोबारा फ्रेश वाटर डालूंगी, फिर से इसे धोऊंगी। इस पानी को भी हम फेंक देंगे। एक बार फिर इसमें वाटर डालूंगी, फ्रेश वाटर। देख रहे हैं हमारा ये चावल अच्छी तरह से साफ हो गया है, तो अब इस पानी को हम फेंक देंगे। तो ये देखिए हमारा पानी भी बॉयल हो रहा है। अब इसमें हम चावल को मिक्स करेंगे। तो ये मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए हैं। फिर हम इसे थोड़ा सा चला देंगे ताकि ये चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। उसके बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन इसमें लगाएंगे और इसे फुल वॉल्यूम में 3 सीटी तक लगाएंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इसे ठंडा होने देंगे। तो 3 सीटी लग चुके हैं, तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए, जब तक इसकी सीटी खुद से नहीं खुल जाती, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो 15 मिनट के लिए हमने इसे गैस से उतार के नीचे रखा था और 15 मिनट में इसकी सीटी अपने आप खुल चुकी है। तो अब इसे हम ओपन करेंगे।
और मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। देखिए, देखिए हमारे चावल कितने अच्छे और फ्रेश बने हैं, ये दाने एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने प्रेशर कुकर में चावल बनाया, देख रहे हैं ये सारे दाने एक दूसरे से अलग हैं, चिपके हुए नहीं हैं। मेरा ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप भी प्रेशर कुकर में ज़रूर चावल बनाएं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।